Assalamu alaikum to all my active and energetic students. It's me with my new lecture that is about question word. I hope you all will be active like always during my lecture. So, let's start. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड्स कहाँ किसे जाता है ठीक है सो क्वेश्चन वर्ड्स आर द वर्ड्स डेट यूज टू आस्क एनी क्वेश्चन क्वेश्चन वर्ड्स हमारे पास इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो हम किसी भी सवाल को पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं ठीक है वैसे तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं लेकिन बेसिक मतलब जो आम रूटीन के अंदर हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास सेवन है ठीक है ओनली इन आवर डेली रूटीन एज लाइक द फर्स्ट वन इज़ हु वाई

इज यूज टू आस्क अबाउट एनी पर्सन अब हू हमने किस लिए इस्तेमाल करना है किसी भी पर्सन के बारे में पूछने के लिए ठीक है यानी पर्सन के बारे में यानी या तो उसका प्रोफेशन पूछने के लिए या नेशनैलिटी या एक्स वाइजर कुछ भी तो हम किसी भी प्रोफेशन सॉरी किसी भी पर्सन के बारे में पूछने के लिए जो क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो क्वेश्चन वर्ड हमारे पास क्या है हु फॉर एक्जाम्पल आर यू इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्या पता लग रहा है इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें यह पता लग रहा है कि हम किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि वो पर्सन कौन है ठीक है हु इज आवर टीचर यानी हमारा टीचर कौन है सही तो इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं हम्म hmm. एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किसी पर्सन यानी टीचर के बारे में पूछ रहे हैं कि नेट हु इज और टीचर एक बात याद रखिएगा एंड के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी है जहां पर भी क्वेश्चन वर्ड यूज किया जाएगा उस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत लाजमी है ओके okay, तो फर्स्ट हमारे पास हु कंप्लीट हो गया हु हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट एनी पर्सन किसी भी पर्सन के बारे में पूछने के लिए हम हु का कर इस्तेमाल करते हैं अब जो हु के पास सेकेंड है हमारे पास वो है वाई अब वाई किस लिए इस्तेमाल किया जाता है इट इज़ यूज टू आस्क एनी रीजन ये कोई भी वजह पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ठीक है यानी कोई भी हमारे पास सिचुएशन क्रिएटेड है तो हमने क्या उस सिचुएशन की वजह पूछ रहे हैं या कोई भी हमारे से कोई सीन हमारे सामने है या कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई है तो उस कंडीशन के पीछे की वजह पूछने के लिए हमने किस वर्ड का यूज करना है वाई तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि वाई किस लिए यूज किया जाता है इट इज़ यूज टू आस्क एनी रीजन कोई भी वजह मतलब किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी किस्म की वजह पूछने के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है वाई वाई को अगर हम उर्दू में बात करें तो हम क्या कहते हैं ऐसे क्यों वैसे ये भी कहा जाता है कि जब भी वाई इस्तेमाल किया जाता है ना तो बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं तो वाई जो है ना बड़ा खतरनाक किस्म का क्वेश्चन वर्ड है ठीक है ओके okay जी अब वाई की एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन लेट आया है और क्लास के बाहर खड़ा है ठीक है टीचर का पहला सवाल क्या होगा या वाई आर यू लेट यानी अब टीचर ने क्या करनी है उसके लेट आने की वजह पूछनी है ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल कोई सिचुएशन ऐसी है कि हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो अगर हमने उस डिस्टर्बेंस की वजह पूछनी है तो हम किस तरीके से पूछेंगे वाई ह्योर इज लॉर्ड्स ऑफ डिस्टर्बेंस और एंड में हमने क्या लगा दिया क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे हमने जाना वाई हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ की वजह यानी किसी भी सिचुएशन के पीछे का रीजन जानने के लिए हमने कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करना है वाई और हूं हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं टू आस्क अबाउट एनी पर्सन अब हमारे पास है वाट वाट हम लोग वाट को उर्दू में क्या कहा जाता है या सिंपली क्या तो वाड हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ठीक है तो वर्ड किस लिए इस्तेमाल करता है सॉरी इस्तेमाल किया जाता है इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यानी कोई भी ख़ास किस्म की मालूमत के बारे में पूछने के लिए वाई का इस्तेमाल वाट का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है या हम यूं बोलें कि ऐसी कोई चीज जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता मतलब बिल्कुल हाउन नहीं होता उस चीज के बारे में पूछने के लिए भी हम वाट का इस्तेमाल कर लेते हैं अब फॉर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस वी देयर इज अ थिंग ठीक है मतलब हमारे सामने एक चीज़ है हमें बिल्कुल नहीं आइडिया कि वो चीज़ क्या है ठीक है तो हम क्या बोलेंगे वॉट इज इट ये क्या है अब ऐसा कोई पर्सन आ गया है जिसके हमने फॉर एग्जाम्पल नाम या फादर नेम या क्लास या कास्ट या नेशनैलिटी कुछ भी पूछना है यानी उसके बारे में हमने रिगार्डेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम कौन को से क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वॉट um, का फॉर एग्जाम्पल एक अननोन पर्सन एक अजनबी बंदा हमारे सामने आ गया है तो हम क्या कहते हैं योर नेम आपका नाम क्या है ठीक है इसके बाद वेयर आर यू फ्रॉम व्हाट इज़ योर कंट्री नेम यानी हमें जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है जिसके बारे में हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेनी होती है उसके लिए हम क्या लगाते हैं वाट लगाते हैं तो वाट हम इससे लगाएंगे टेक एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता है उसके बाद हमारे पास क्या है वेयर वेयर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है इट इज यूज्ड टू आस अबाउट प्लेस वेयर जो है वो जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी कोई चीज किस जगह पर पड़ी है किसी कंट्री की जगह कोई सिटी मतलब प्लेस कोई सिटी भी हो सकती है कोई कंट्री भी हो सकती है घर का कोई कोना भी हो सकता है हमारी क्लास भी हो सकती है यानी एक्स वाई जेड कोई भी प्लेस हमारे पास होगी तो उसके लिए हमने किस चीज़ का किस वर्ड का इस्तेमाल करना है वेयर का फॉर एग्जाम्पल कि मेरा पेन मिस है मुझे मेरा पेन नहीं मिल रहा तो मैं क्या कहूँगी वेयर इज़ माई पेन मतलब मेरा पेन कहाँ है तो ये इसका मतलब भी क्या हुआ इसका मतलब भी ये हुआ कि मैं हाँ जी जगह पूछ रूँ कि मेरा पेन किस जगह पर है फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी रेस्टोरेंट का नाम सुन लिया या किसी सिटी का नाम सुन लिया फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो आमतौर पर सिटी है यहाँ पे मीरपुर खास अब कोई बंदा है जिसे नहीं पता कि मीरपुर खास प्लेस कहाँ पर है तो वो क्या पूछेगा वेयर इज़ मीरपुर खास ये मीरपुर खास कहाँ है किस एरिया में है किस जगह में है किस कंट्री में है तो वेयर हमने सिंपली क्या किस लिए इस्तेमाल करना है वेअर इज़ यूज टू आस्क अबाउट एनी प्लेस यानि वो प्लेस छोटी से छोटी भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी भी हो सकती है बट इफ़ वी आस्क अबाउट एनी प्लेस वट विल वो यूज़ वी यूज़ वेयर ठीक है तो वेयर हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ जगह के इस्तेमाल मतलब जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल करना है अब हमारे पास है वैन वैन कब इस्तेमाल किया जाता है इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट टाइम When जो है वो टाइम टाइम पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अब टाइम भी कुछ भी हो सकता है स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक कुछ भी ठीक है तो when टाइम पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉर एग्जाम्पल when दे कम यानी वो कब आए अब ये सेंटेंस पूछने का मतलब क्या है इस सेंटेंस को पूछने का मतलब ये है कि हम हाँ जी वो टाइम पीरियड पूछ रहे हैं वो टाइम पूछ रहे हैं कि जिस टाइम पर कोई भी पर्सन जो थे वो यहाँ पर आए थे सो वैन दे कम सेंटेंस नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल वैन विल आवर क्लास स्टार्ट यानी हमारी क्लास कब स्टार्ट होगी तो यहाँ पर भी क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन पूछा जा रहा है यानी टाइम पूछा जा रहा है ठीक है जो क्वेश्चन है किस बारे में पूछा जा रहा है टाइम के बारे में सो so, वैन हम किसने इस्तेमाल करते हैं इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट एनी टाइम किसी भी टाइम के बारे में पूछने के लिए वैन का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है जिसके एग्जाम्पल के अंदर हमने पढ़ा है वन दे कम यानी वो कब आएंगे विल वील क्लास स्टार्ट हमारी क्लास कब स्टार्ट होगी इस दोनों इन दोनों जुमलों से क्या पता लग रहा है इन दोनों जुमलों से यह पता लग रहा है डेट वील आस्किंग अबाउट टाइम उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है विच विच बड़ा इंटरेस्टेड है आई लाइक दिस वर्ड आई लाइक दिस क्वेश्चन वर्ड आई लाइक द यूज ऑफ दिस क्वेश्चन वर्ड वाई बिकॉज विच जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है इट इज यूज टू आस्क अबाउट चॉइस विच जो है वो तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी चॉइस के बारे में पूछ रहे होते हैं किसी से उसकी चॉइस मतलब किसी से उसका आइडिया ले रहे होते हैं या कोई भी मतलब हमारे पास वन मोर देन वन थिंग्स होती हैं और हमने उन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में कोई वन चीज़ सिलेक्ट करनी होती है और उस सिलेक्ट करने के लिए हम किसी से पूछ रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है तो हमने क्या लगा देना है उस वक्त विच लगा देना है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास दो मैंगो हैं या यूं कहने के एक अच्छा खासा जो है ना वो कॉट है तो अब मैंने पूछना है कि इनमें से कौन सा मैंगो अच्छा है तो हम कैसे पूछेंगे विच मैंगो इज गुड यानी इनमें से कौन सा मैंगो अच्छा है यानी मैंने जो है वो चॉइस ले रही हूँ किसी का आइडिया ले रही हूं कि ये हमारे पास दो और तीन चीजें हैं इनमें से कौन सी चीज बेटर है फॉर एग्जाम्पल सेकेंड सेंटेंस कैसे हो सकता है विच इज योर फेवरेट कलर च इज योर फेवरेट कलर आगे च्वाइस देना लाजमी एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारे पास च्वाइस नहीं है तो हम विच नहीं लगाएंगे वॉट what लगाएंगे व्हाट इज येवरेट कलर ठीक है लेकिन अगर हमारे पास यहां पर च्वाइस है ब्लैक और वाइट ठीक है अगर हमारे पास च्वाइस है तो हमने विच लगाना है और अगर हमारे पास चॉइस नहीं है तो हमने इस जगह क्या लगा देना व्हाट लगा देना फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट नहीं होता तो हम क्या कहते हैं व्हाट इज योर फेवरेट कलर ठीक है सो so, अगर हमारे पास ब्लैक और वाइट है तो हम क्या बोलेंगे विच इज़ योर फेवरेट कलर ब्लैक और व्हाइट आपका फेवरेट कलर कौन सा है ब्लैक या फिर व्हाइट समटाइम्स हम व्हाट लगाते हैं लेकिन मोस्टली हमारे पास विच यूज किया जाता है लेकिन विच का इस्तेमाल करते हुए आपने क्या चीज़ का किस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर च्वाइस हमारे पास गिवन है या नहीं है गिवन या फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ हो यानी कुछ गिवेन कलर्स हों उन कलर्स में से अगर हम सिलेक्ट करें तो हम वाट नहीं लगाएंगे हम विच ही लगाएंगे ठीक है तो वाट तो हम तब लगाएंगे जब हमारे पास कोई आइडिया नहीं होगा तो इस बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ओके okay जी अब हमारे पास है हुज़ हुज़ किस लिए इस्तेमाल किया जाता है इट इज़ यूज फॉर दी इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट ऑनरशिप ऑफ एनी थिंग ठीक है किसी भी चीज की ऑनरशिप के बारे में पूछने के लिए हुस का इस्तेमाल किया जाता है वो कैसे हुस को अगर हम उर्दू में बात करें तो हुज को कहा जाता है कौन सा ठीक तो अब कैसे फॉर एग्जाम्पल पेन इज दिस ठीक है हुज कौन सा भी हो सकता है और इसकी मतलब किसका भी हो सकता है तो यहाँ पर इसका क्या सेंस निकल रहा है पेन किसका है इसका मतलब क्या है कि हम उसकी ऑनरशिप के बारे में पूछ रहे हैं कि यह चीज़ जो है वो किससे बिलोंग करती है तो हुज़ हमारे लिए किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट ऑनरशिप ऑफ एनी थिंग किसी भी चीज़ की ऑनरशिप के बारे में पूछने के लिए हम हुज का इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो किससे बिलोंग करती है किस चीज़ का ऑनर कौन है ठीक है सो ऑनरशिप को शो करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है हुज इस्तेमाल करना है इज इट क्लियर ओके सो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड जो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है हाउ हाउ हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं इट इज यूज टू आस्क द वे वैन हाउ थिंग्स हैपिन ठीक है हमारे पास हाउ किस लिए इस्तेमाल किया जाता है हाउ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि यानी कोई भी जो चीज़ है कोई भी सिचुएशन अक्कर हुई है वो कैसे किया गया है किसी भी काम को पूछने का उसका जब वे पूछा जाएगा तो हम हाउ इस्तेमाल करेंगे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस है हाउ शी फूड ठीक है हाउ डज शी कुक फूड यानी वो खाना कैसे पकाती है यानी हमने क्या पूछा उसका जो वे है उसका जो क्राइटेरिया है जिस तरीके से वो करते हैं उसके उसका वे पूछने के लिए हमने क्या यूज करना है हाउ यूज करना है ठीक है अगर इसके अलावा हम कह सकते हैं हाउ यू मेड इट आपने ये कैसे बनाया या सेकेंड मतलब इंटेरोगे सेंटेंस इस्तेमाल करके हम इसको यू भी यूज कर सकते हैं हाउ डिड यू मेक इट ठीक है तो हमारे पास ये थे क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी सवाल के बारे में पूछने के लिए जिसके हमने एट क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया सबसे पहले हमने पढ़ा है अबाउट हु हु किस लिए इस्तेमाल किया जाता है इट इज यूज टू आस्क अबाउट एनी पर्सन यानी किसी भी पर्सन के बारे में पूछने के लिए हु का इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद हमारे पास क्या है वाई वाई किस लिए इस्तेमाल किया जाता है इट इज यूज टू आस्क अबाउट एनी रीजन किसी भी वजह के बारे में पूछने के लिए हम वाई का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद है वॉट वर्ड हम किसी भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता उसके बाद वेयर वेयर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है या इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट एनी प्लेस किसी भी किस्म के कोई भी प्लेस के बारे में हमने पूछना होगा तो हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे फिर हमारे पास है वैन वैन हम किस किसने इस्तेमाल करते हैं या इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट एनी टाइम किसी भी टाइम के बारे में पूछने के लिए हम वैन का इस्तेमाल करते हैं टाइम स्पेसिफिक भी हो सकता है अननोन भी हो सकता है नॉन भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है उसके बाद हमारे पास है विच विच हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो है वो च्वाइस के बारे में हमने पूछना होता है तो हम विच का इस्तेमाल करते हैं वैन हैव वॉन्ट टू और मोर देन टू थिंग्स जब हमारे पास दो या दो तो ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम विच का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद है हुज हुज किस लिए इस्तेमाल किया जाता है इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट ऑनरशिप किसी भी चीज़ की जो ऑनरशिप है उसके बारे में पूछने के लिए हम हुज़ का इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल हुज पेन इज दिस ये पेन किस का है तो यहाँ पर भी हमने क्या इस्तेमाल किया हुज हुज बैग इज ड मतलब नॉट ओनली पेन मतलब आप किसी भी किस्म का कोई भी ओनरशिप के बारे में पूछेंगे तो आप हुज़ का इस्तेमाल करेंगे इसी तरीके से हाउ अब याद रहेगा हाउ के मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ शेयर की है कि किसी भी चीज़ के वे के बारे में मतलब जानने के लिए पूछ यूज़ किया जाता है इसके अलावा आप के बारे में क्वान्टिटी के बारे में जब पूछते हैं तो हाउ का इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हाउ मच ठीक है तो हाउ का इस्तेमाल जस्ट जो है वो हमारे पास किसी भी चीज़ का क्राइटेरिया हुआ पूछने के लिए नहीं बल्कि क्वांटिटी वगैरह मतलब एक दो और भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हाउ का इस्तेमाल किया जाता है बट दैट दिस वॉज दी बेसिक थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड टूडे सो होप फुली कि आपको ये सारे के सारे समझ में आगे होंगे एंड फ्राम टूडे विल यूज़ दीज ऑल क्वेश्चनवर्ड्स आज से हम ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करेंगे और अपनी इंग्लिश को और भी बेटर बनाएंगे ठीक हो गया एक बात याद रखनी है मैंने अगेन कहा था कि एक सारे लेक्चर तब तक बेकार है जब अब तक आप उसको अपने डेली रूटीन के यूज़ में नहीं लेके आते सो फ्रॉम टूडे यू विल आस्क ऑल द क्वेश्चन बाई यूजिंग दिस क्वेश्चन वर्ड और ये जो मैंने वाई क्वेश्चन वर्ड शेयर किया है ना जिससे मैंने कहा था लड़ाई होती है ऐसे उर्दू में पूछ से लड़ाई हो सकती है इंग्लिश में ट्राई कीजिएगा मे बी ना हो ठीक है सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा अल्लाह हाफिज़